कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी है जो है आपको हवा के रूप में काम कर रही है यार। हाँ यार होने की आवाज आ रही है, दिल भी दुखते हैं। जय श्री राम दोस्तों, मैं आपके एमके भाई स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके की पावर में। कैमरे पे भाई सुरेंद्र है, मैं हूँ। ये लोकेशन आज के लगभग ढाई महीना पहले आप लोगों ने देखी होगी गाइस यार, ये वही लोकेशन है जहाँ पे वो एक महिला रात के 2 बजे के समय बाल्टी लेकर हेडपम्प पे नहाने के लिए आती थी गाइस यार। लेकिन हम लोग उसके लिए यहाँ पे नहीं आए यार, यहाँ पास में एक कुआ है जहाँ पे भाई जी देखो गाड़ियाँ अभी भी निकल रही है यार। रात का समय काफ़ी हो चुका है, मतलब डेढ़ के लगभग समय हो रहा है गाइस यार, तो हम लोग इसी रोड से निकल रहे थे। तो यहाँ के गाँव वालों का कहना है कि मतलब यहाँ पे जो कुआ है ना गाइस पास में, वो मैं आपको अभी चलकर दिखाऊंगा वीडियो के अंदर आगे। तो उस कुएं पे मतलब लगभग 6 महीने पुराने वाली घटना है गाइस यार। लेकिन उस वक्त तो वो आत्मा हम लोगों को दिखाई नहीं देती है ना सुरेंद्र भाई। हाँ यार भाई, जब पहले इस लोकेशन को विजिट किया था गाइस हम लोगों ने, तो वो जो लड़की की आत्मा थी वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही थी। अब पता नहीं ऐसा क्या हुआ अचानक से कि मतलब लगभग 1 महीने से यहाँ पे वो जो आत्मा है वो दिखाई देती है, और रात के 12 बजे बाद में दिखाई देती है गाइस यार। जो 12 बजे से पहले गाड़ियाँ निकलती है उनको कुछ नहीं होता है, लेकिन जो 12 से बाद में ऊपर दिखाई देती है गाड़ियाँ, तो उन लोगों को वो आत्मा परेशान करती है। कभी रोड में खड़े हो जाती है आके, कभी स्कूल पे दिखाई देती है, कभी यहाँ उसके ऊपर छत के ऊपर चली जाती है गाइस यार। तो हम लोग आए हैं वापस इस लोकेशन पर, उसको विजिट करेंगे अच्छे से। और उस लड़की की आत्मा यहाँ पे जो भटक रही है, उस लड़की का यहाँ पे गाइस यार मर्डर हुआ है। वो आती थी जंगल के अंदर बकरे चराने पास के गाँव से, तो उस कुएं के अंदर उसको मार के फेंक दिया था यार। कुछ गुंडे होते हैं, कुछ बदमाश होते हैं गाइस यार। तो ये गाड़ियाँ बहुत निकल रही आज है ना गाड़ियाँ। देखो हम लोग पहले आए थे तब तो कोई भी गाड़ियाँ नहीं निकल रही थी, लेकिन जैसे हम लोगों ने कैमरा स्टार्ट किया 3 गाड़ियाँ हमारे सामने निकल चुकी है, आप लोगों ने भी देखा होगा कैमरे के अंदर। तो सीधा चलते लोकेशन की ओर। तो भाई यार जो महिला हम लोगों को दिखाई देती थी रात के समय यहाँ पे नहाने के लिए आती थी, उसकी स्टोरी कुछ अलग थी। अब हालांकि वो दिखाई देती है नहीं देती, यहाँ से मुक्त हो गई, इसका कुछ नहीं कह सकते गाइस यार। क्योंकि उसके बाद में भी हम लोग आज ही आए हैं, लगभग 2.5 महीना हो गया हम लोगों को यहाँ से। आराम से भाई, आराम से भाई। माहौल है जो पूरा एक तरह से शांत हो रखा है यार, कुछ भी मतलब एक कीड़े की आवाज़ तक यहाँ पे नहीं आ रही है। लेकिन जब हम लोग पहले आते थे उस टाइम गर्मियों का टाइम था, और यहाँ पे आप लोग देखते होंगे कि यार कितनी सारी गायें बैठे रहती थी यार, आज एक भी गाय नहीं है गाइस। क्योंकि सर्दी का टाइम है, सर्दी के टाइम में जो अपनी गाय होती है वो अपने अपने घर चली जाती है, और गर्मी के टाइम में अपने आप यहीं पे बैठ जाती है यार। तो आज के टाइम में ये लोकेशन है बिल्कुल उजड़ चुकी है, कोई भी नहीं है आस पास में गाइस यार। ये कुआ है गाइस, वो रहा मैं आप लोगों को बिल्कुल चलकर दिखाऊंगा लाइव कि कैसे उसका मर्डर हुआ था यहाँ पे, और कितना गहरा कुआ है गाइस यार, और कैसे कुएं के अंदर उसको फेंका था यार। उसकी चप्पल भी पड़ी थी गाइस यार उधर यार। ये को गाड़ी आ गई सुरेंद्र भाई। हाँ यार, गाड़ी वाले कोई रुकते नहीं है, देखो कितनी स्पीड में जा रहा भाई यार। तेरी यार देखो गाइस स्पीड बहुत थी। रात के टाइम में ऐसी कोई रोड नहीं है जहाँ पे मतलब कि लाइट का फोकस हो और वहाँ पे कोई गाड़ी रुके नहीं, लेकिन सबको पता है कि यहाँ पे कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो यहाँ पे कोई नहीं रुकता है गाइस यार, बल्कि उल्टा तेज निकाल लेते गाड़ी को। आ जाओ भाई अपन कोई पे चलते हैं। चलो भाई चलो। तो गाइस यार आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, चैनल पे कोई भी भाई नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बाकी इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना यार। सुंदर भाई यहाँ से कोई ना कोई आवाज़ आ रही है यार। एक आवाज़ आ रही है देखो। हाँ यार, जैसे पानी गिर रहा है ना। चलो चलो आगे बैठे, आगे चलो आगे देखते इसके अंदर। गाइस जो लड़की थी ना यार, उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, वो एक 16 साल की लड़की थी जो जंगल के अंदर बकरियाँ चराने के लिए आती थी अपनी दादी के साथ में। तो उस दिन क्या एक ऐसा हुआ कि मतलब दादी साथ में आई नहीं, और वो अकेली आ गई बकरियाँ लेकर। तो पास में जंगल में कुछ गुंडे लोग चले गए, और
उसका रेप रूप करकुरा के इस कुएं के अंदर फेंक दिया ताकि किसी को पता ना चले ये केस यहीं कहीं रफा दफा हो जाए। लेकिन जब इस कुएं के अंदर से गैस बदबू आने लगी और जो लाश होती थी ना यार वो मरने के बाद ऊपर आ जाती है मतलब तैर के यार, तो इसके अंदर कोई किसी ने आके देखा तो बदबू भी आ रही थी, तो लोगों ने चेक किया तो गैस यार उस लड़की की लाश मिली और मरने के 3 दिन बाद मिली गैस और लाश। सोचो 3 दिन में क्या हालत हुई होगी और कितनी बेरहमी से उसको मारा होगा यार। तो भाई यार कुएं पे चले या नीचे से दिखा दे यार, कुएं पे चल के देखते हैं कौन। भाई यार कुएं पे जाने का बिल्कुल भी मन तो है नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को पूरा एक एक दिखाऊंगा अच्छे से ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे यार। जो होगा देखा जाएगा यार, अगर आत्मा आएगी तो उससे हम लोग सामना करेंगे, उससे उसकी परेशानी पूछेंगे। भैया ये क्या तेल का पोच किस पड़ा यार, ये देखो तेल का पोच। यार देखो यार ऐसी चीज़ों को हम लोग रात के टाइम छूते नहीं है। बाकी यहाँ पे एक तेल का पाउच पड़ा है, अब ये क्यों पड़ा है क्या कारण हो सकता है आप लोग अपने हिसाब से दिमाग लगा लेना। बाकी भैया ऊपर हो यार कुएं की, मैं आप लोगों को एक बार गहराई दिखा देता हूँ कि कुआ कितना गहरा है यार। भाई आराम से दे नहीं जाओ ये कुआ, ठीक है आराम से आराम से। भाई यार देखो कुआ यार देखो, गाइस देखो मतलब कुएं के अंदर पानी अभी ऊपर तक भरा हुआ है ना। हाँ यार भाई थोड़ा कम हो चुका है वैसे फिलहाल के लिए पानी, लेकिन उस टाइम काफी ज्यादा भरा हुआ था गाइस यार, ऊपर तक पानी रहता था। और इसके अंदर से ऐसा नहीं है कि लोग पानी भी पिया करते थे गाइस यार, यहाँ पे दिन में एक मंदिर है यहाँ पे माता जी का, तो यहाँ पे रुकते है कई सारे लोग और पानी भी पिया करते थे। लेकिन गाइस अब ऐसा हो गया कि इस कुएं का कोई भी पानी नहीं पीता है और जो यहाँ पे रस्सी डोला होता था उनको भी हटा दिया है, क्योंकि गाइस यार इस कुएं को एक तरह से शराब लग चुका है। घबराना नहीं अपन को यार, ठीक है ना भाई यार। ये देखो काटे लकड़ियां यहाँ पे काट काट के पटक रहे हैं। कौन है कौन है कौन है यार, अचानक कैसे आवाज आई यार, इसकी आवाज आई ना भाई। हाँ यार इसकी आवाज है। हाँ भाई इधर फोकस कर, इधर चल फोकस कर भाई। भाई 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 आराम से, ये कुत्ते की आवाज आ रही है। भाई ओ भाई यार ये कैसे चल रहा है यार, ऑटोमेटिक कैसे चल रहा भाई ये। हाँ भाई 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 संभल के, कौन हो सकता है भाई, कौन हो सकता है यार, कोई हवा के रोकने को नहीं है भाई यहाँ पे। हाँ कौन है भाई, ये क्या भाई यार, ये भाई इधर इधर चलो, इधर चलो, इधर चलो, चलो चलो साइड में चलो। कसम से यार मतलब हम लोगों ने जैसे इधर कैमरा घुमाया और उधर से वो जो बूढ़े था अचानक से घूमने लगा ना भाई। हाँ यार भाई ओ भाई 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 ये देखो यार, सुन भाई नीचे जाओ नीचे जाओ नीचे जाओ भाई, चलो नीचे जाओ भाई भाई आराम से आराम से आराम से। गाइस यार कसम से कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी है जो यहाँ पे हवा के रूप में काम कर रही है यार। हाँ यार दिख नहीं रही है गाइस कैमरे के अंदर। ओ भाई आत्मा का टाइम हो गया हो। हाँ यार भाई हो सकता है, ऐसा कैसे हो गया मतलब यार अचानक से। इधर कोई कोई है यार, कोई है यार, रुको रुको भाई रुको रुको आराम से, कोई है क्या यहाँ पे भाई, इधर आना भाई, भाई आगे हो गया आगे जो रास्ता है गाइस बिल्कुल बंद लग रहा है एक तरह से, रास्ता बंद है, लेकिन इधर से कोई कुत्ता लगातार भूके जा रहा है। अभी भी आप लोगों को आवाज सुनाई दे रही होगी कुत्ते की यार, लेकिन इधर रास्ता बंद है यार भैया। हाँ यार यहाँ से दिखो भैया, लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई था भाई, कोई था इधर पत्थर फेंका और वो जो बुनिया था ना यार गाइस उसको मेरे दिल के अंदर यार अलग सा फेल होने लग गया भाई, अपन यहाँ से निकलते इधर हो। चलो चलो भाई यार जो कुछ होगा हम लोग पहले माताजी के मंदिर के पास में जाते हैं, वहाँ से यार माताजी से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो तो हमें उनसे बचाए यार, क्योंकि गाइस जो आत्माएँ होती हैं कई बार ऐसा ऐसा रूप लेकर आती है कि वो हवा के रूप में काम करती है यार, कई बार दिखाई नहीं देती लेकिन हवा के रूप में काम करती है। सुरेंद्र भाई आप इधर आ जाओ कैमरा लेकर, ठीक है ना। चलो भाई चलो, देखो भाई यार टाइम भी काफी ज्यादा है, जो गाड़ी है वो गाड़ी जा रही है बाइक।
कोई गाड़ी वाला रोक नहीं रहा है, टाइम भी काफी ज्यादा है, सबको पता है यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है। भाई इधर आ जाओ आप, चलो भाई माता रानी के पास में चलते हैं, आ जाओ उठ चलते हैं। चलो भाई यार जो स्टोरी थी वो काफी दर्दनाक थी, यहाँ पे उस लड़की की बेरहमी से मौत हुई है यहाँ पे यार, ऐसा समझो आप। ओ भाई ये क्या पड़ा है ये देखो यहाँ पे, इसकी ये बोतल वगैरह किसकी होगी यार? हाँ यार भाई यहाँ पे बोतल वगैरह पड़ी है, और इधर आ जाओ सुन। चलो भाई चलो भाई, यहाँ पे माता जी का स्थान जो कि बना हुआ है, और जय माता दी, जय माँ भवानी। ओए कौन है? कौन है? आवाज कहाँ से? ओए ओ भाई 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 ओ भाई 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 देखो उरी उरी अरे यार देखो ना माय गॉड, यही तो थी वो, ये क्या? हाँ भाई 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 यही है वो आत्मा भाई, पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ भाई भाई भाई, ये देखो मैंने बोला था ना आ गई वो, इतनी देर हवा के रूप में काम कर रही थी लेकिन अब इस नस्ली रूप में सामने आ गई भाई ये, ओरी ओरी वही है देखो ना बच्चे का मासूम सा चेहरा भैया। हाँ यार भाई हाथ से काफी दर्दनाक था यार ये देखो भाई, ऐसा क्यों लग रहा है ऐसे रो रही है ना? हाँ यार उधर भाई वो देखो भाई, भाई यार किधर जा रही है, किधर जा रही है भाई, वो गाड़ी की तरफ जा रही है, देखो गाड़ी की तरफ जा रही है, जैसे रोड के अंदर गाड़ी आ रही है उधर जा रही है, रोड में जा रही है, रोड में जा रही है भाई, अपन को दूर ही रहना, इससे दूर ही रहना भाई, इधर आ जाओ इधर आ जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ तुम पीछे जाओ, इस चीज को पहले नोटिस करते ही क्या क्या करती है अपने यहाँ से। हाँ रोड में गई वो, देखो रोड में जाके खड़ी हो गई गाइस, भाई 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 यार देखो रोड में, ओ भाई कुत्ता रोड में वापस से यार भाई, तो रोड में गई यार, कहाँ गई ओए भाई, रोड में अभी तो रोड में थी यार, इधर आना, कहाँ गई, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, चल चल अभी तो रोड में थी, कहाँ गई, अभी तो इस जगह पे खड़ी थी भाई यार। हाँ यार कहाँ गई भाई यार, ऐसे रोड भी खुला है, अभी रोड में थी यार, कहाँ गई, ऐसा तो नहीं है भाई वापस कुएं के ऊपर चले गई वो, ओए वो आ गई भाई भाई, वो देखो कुएं की तरफ वापस यार, भाई भाई वो आ गई भाई, आप यहीं रुको मैं इससे बात करने की कोशिश करता हूँ, भाई 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 लेकिन कैमरा दूर रखना थोड़ा सा, ठीक भाई, देखिए आपका नाम और आप कहाँ की रहने वाली हो और इतनी रात को यहाँ पे क्या करती हो? ओ भाई 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 आ जा रही है भाई, इधर से कोई गाड़ी आ रही है, गाड़ी को रुकवाने की कोशिश करते हैं यार, भाई भाई हाँ यार गाड़ी भाई यार, गाड़ी वाला रोकेगा नहीं, नहीं रोकेगा भाई 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 हा? नहीं रोकेगा यार, देखो यार गाड़ी कोई नहीं रोक रहा भाई है ना, हाँ यार भाई भाई स्पीड में निकल गई यार, सुन भाई इधर आओ वापस यार, चलो भाई चलो उसकी आत्मा मुक्ति के लिए यहाँ पे भटक रही हो, चलो तो भाई चलो, अपने को कुछ हिंट दे ताकि वो उसके परिवार वालों से कुछ ना कुछ चाहती हो या उसके माँ बाप से मिलना चाहती हो। हाँ यार भाई देखो उसका कोई तो ऐसा होगा यार जिससे वो सबसे ज्यादा प्रेम करती होगी यार, देखो भाई यार अपने जो माँ बाप के बच्चे होते हैं ना यार, हो सकते हैं उनके माँ बाप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो उनके माँ बाप तो यहाँ पे आते नहीं है गाइस यार, क्योंकि सबको पता है यार कि उनकी बच्ची जा चुकी है, तो अब क्या बनकर वो आएगी हमारे सामने, तो कई बार ऐसी जगह होती है, देखो गाड़ी फिर से निकली है, यार फिर से कोई नहीं रोक रहा भाई, कई बार ऐसा होता है कि गाइस यार माँ बाप अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और बच्चे को उनसे लगाव हो जाता है, तो हो सकता है उनकी आखिरी ख्वाहिश यही रहे कि यार अपने माँ बाप से मिले वो, अपन भैया एक बार बात करते हैं उस चीज़ से, आओ चलो भाई चलो चलते चलो, तो भाई यार एक बार हम लोग वापस कुएं की तरफ जा रहे हैं, अगर फिर से आए हमारे सामने तो इस बार पक्का मैं उससे बात करने की कोशिश करूँगा, घबराऊँगा अंदर से बिल्कुल नहीं है यार, क्योंकि सेंसिटिव मामला है और
मान लो किसी बच्ची की आत्मा की हमारी वजह से हेल्प हो जाए, वो अपने माँ बाप से मिलना चाहती हो, या किसी और ख्वाहिश अधूरी रह गई हो, तो उसकी हम लोग पूरी करेंगे यहाँ पे यार, उसकी आत्मा मुक्ति के लिए वो सब कर लेंगे हमारे हिसाब से। बाकी एक बार हमारे सामने आ गई ना भाई यार, देखो भाई यार पूरा माहौल से एक तरह से शांत हो चुका है ना। हाँ यार भाई, आवाज आएगी भाई आपको? हाँ यार। हाँ किस चीज को आ जाएगी? थोड़ी थोड़ी हल्की सी। देखिए आसपास में कोई भी है तो हमारी आवाज सुनकर प्लीज बाहर आइए, हमारे सामने आइए। देखो हम आपका कोई नुकसान नहीं करना है, बल्कि उल्टा आपकी हेल्प करेंगे। हुई। हुई। ओ भाई वो रोड भागी। भाई भाई। भाई यार। वो रोड में। रोड में मैं। वो रोड में खड़ी भाई। भाई भाई भाई। देखो। रोड में गई। भाई यार। भाई भाई। हाँ। भाई 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 भाई। तुम्हारा पीछे पीछे हो जाओ जाओ जाओ। चलो भाई चलो। उसको जहाँ जानी है, जहाँ जानना चाहती है उसको जाने दो भाई। क्या? किधर जा रही? वो इधर आ रही, इधर ही अपने अपने तरफ आ रही। जाने तो इधर आ जाओ। आप जाने। चलो चलो। अगर ये अच्छी होगी ना भैया, अपने को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेगी। वो देखो वो देखो वो आ गई, इधर आ गई, वो इधर आ गई। चलो आगे चल भाई, आप यहाँ से फोकस करो उसके ऊपर, मैं इससे कुछ बात करने की कोशिश करता हूँ। देखिए आपकी कोई ख्वाहिश है तो हमको बताइए, या आपको किसी से मिलना हो अपने मम्मी पापा से, या आपकी मुक्ति मम्मी पापा से मिलना आपको, कि कोई आपकी एक ख्वाहिश हो, आपके माता पिता से आप मिलना चाहते हो, या आपकी आत्मा को कोई मुक्ति दिलानी हो तो आप हमको बताइए। भाई भाई कहाँ जा रही? अपन ने इसके माता पिता के बारे में पूछा था तब इसने हल्का सा हिंट दिया, बाकी अब कहाँ जा रही है? देखो यार। हाँ यार। हाँ कहाँ जा रही हो? उधर कैसे जा रही? पीछे चलता है, जल्दी चलो 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 कहाँ जा रही? चलो 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 कहाँ जा रही? हाँ नहीं इस जगह तो उसने बोला था कि हाँ मेरे माता पिता से मिलना है। हाँ यार। हाँ किस चीज को? इधर आओ भाई, इधर आओ, इधर आओ। चलो चलो यार, लास्ट बार यहीं पे दिखाई दी थी वो यार। हाँ यार कहीं ऐसा तो नहीं है वो कुएं के अंदर चली गई है? क्या बताया यार भाई, हो सकता भी तेरे भाई ऐसा भी हो सकता है कि मतलब उसका जाने का टाइम हो गया हो। हाँ यार भाई अपन यहाँ से निकलते भाई। चलो भाई चलो गाइस, हम लोग यहाँ से निकलते हैं। उसने जितना हिंट दिया हम लोगों को वो हम लोग हमारे दिल के अंदर रखते हैं। और वो लड़की कहाँ की रहने वाली थी हम लोग सुबह पास के गांव में जाकर पता करेंगे, उसके माता पिता कौन थे कौन नहीं है हम इन सब चीज़ के बारे में पता करेंगे, और उसकी जो ख्वाहिश थी उसको पूरा करेंगे यार। उसके माता पिता मिलेंगे, अगर वो आने के लिए राजी रहेंगे यहाँ पे तो हम उसको लाएंगे यार। बाकी जो उसके आत्मा मुक्ति के लिए करना पड़ेगा हम लोगों को गाइस कुछ ना कुछ, तो अभी के लिए हम लोग यहाँ से निकलते। बाकी यहाँ का पार्ट देखना चाहते हो तो आप लोगों को कमेंट करना यार कि भैया इसके बारे में और आगे खुलासा करो और उस आत्मा को मुक्ति दिलाओ। तो हम लोग फिर से आ जाएंगे गाइस, देखो गाड़ी आ गई है। चलो भाई भाई गाड़ी आ रही है, गाड़ी कोई नहीं रोकता यार, गाड़ी वाला रुकता नहीं है। हाँ यार भाई यार देखो मतलब हम लोगों ने इतनी बार लोकेशन विजिट करी कहीं ना कहीं रोड पे, कहीं हमारे साथ ऐसा हुआ कि मतलब यार जैसे मतलब भैया अदर जगह पर हम लोग रहते तो यार कोई ना कोई गाड़ी रुकती जरूर है ना। हाँ यार भाई कई बार ऐसा होता है मतलब गाइस हम लोग लोकेशन विजिट करते हैं रोड के ऊपर तो वहाँ पे कई सारे ऐसे गाड़ी वाले निकलते जो यहाँ पे हम लोगों को रुक के पूछते कि भैया क्या हुआ यहाँ पे, तो हम लोग उनको बता देते हैं कि यार भैया ऐसी ऐसी बात है, तो फिर वो निकल जाते। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि मतलब एक गाड़ी तक नहीं रुकी यार, आप लोग देख रहे होंगे कैमरा ऑन था कोई भी गाड़ी नहीं रुकी। और सुन रहे हो टाइम भी वो ज़्यादा हो गया, अपन को निकलना चाहिए यहाँ से यार, है ना? चलो भाई चलो आ जाओ। तो गाइस हम लोग निकलते हैं, बाकी मिलते हैं जल्दी किसी नई लोकेशन पे नई वीडियो के साथ। तब तक लीजिए हिंद, जय भारत, गुड नाइट। चलो भाई।